क्या बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात शांति को बढ़ावा देगी या फिर ये विश्व युद्ध की शुरुआत के तौर पर भी देखी जा सकती है? आज इस बड़े सवाल के साथ टीवी 9 भारतवर्ष पर हम इस शो की करने जा रहे हैं शुरुआत। नॉनस्टॉप कवरेज इस महामुलाकात को लेकर लगातार जारी है और हमारे साथ बने हुए हमारे खास मेहमान भी। एक तरफ गाजा में विनाशकारी जंग चल रही है तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध जारी है। दो वॉर फ्रंट्स के बीच दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और ठीक ऐसे वक्त में सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। सवाल यह है कि इस महामुलाकात से निकला क्या? सबसे पहले इसी पर डालते हैं नजर। जिनपिंग ने ताइवान का मुद्दा उठाया तो बाइडेन ने गाजा युद्ध का जिक्र किया। दोनों ने अपना अपना कंसर्न दिखाया। ईरान के बहाने चीन को खरी खरी सुनाते भी नजर आए जो बाइडेन। और इसके अलावा यूक्रेन जंग सुलझाने की वकालत भी की गई लेकिन ना तो गाजा यूक्रेन युद्ध के समाधान पर कोई बात हुई, ना ही ताइवान पर टकराव कम करने को लेकर कोई मंथन हो पाया, कोई सहमति हो पाई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस महामुलाकात के बाद तनाव कम हुआ या विश्व युद्ध का और ज्यादा खतरा बढ़ गया? जी हाँ, आज इसी पर करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। वो बड़ी खबर क्या है? जिनपिंग पर बाइडेन का सख्त बयान सामने आ गया है। बाइडेन ने जिनपिंग को तानाशाह बताया। ये क्या हो रहा है? इस महामुलाकात के बाद कहां तो ये उम्मीद की जा रही थी कि रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी, लेकिन अब बाइडेन जिनपिंग को तानाशाह बता रहे हैं। जिनपिंग साम्यवादी देश चलाते हैं, चीन की सरकार अमेरिका से बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग है, ये बताया है जो बाइडेन ने। Look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that is based on a form of government totally different than ours. और देखिए एक और बड़ी खबर इस महामुलाकात को लेकर। गाजा जंग पर बाइडेन का बहुत बड़ा बयान। हमास के अंत तक युद्ध नहीं रुकने वाला। जो बाइडेन ने प्रेस वार्ता में यह बात भी कह डाली, हमास ने इज़राइल में नरसंहार किया है, हमास ने मासूमों की जान ली है, हमास फिर से हमला कर सकता है। ये सब कुछ पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा जो बाइडेन ने। Been deeply involved in moving on the hostage negotiation. I don't want to get ahead of myself here because I don't know what's happened in the last 4 hours. When is this going to stop? I think it's going to stop when when Hamas no longer maintains the capacity to murder and abuse and just do horrific things. The IDF, the Israeli Defense Forces, acknowledges they have an obligation to use as much caution as they can in going after their targets. Well, I can't tell you how long it's going to last, but I can tell you I don't think it ultimately ends until there's a two-state solution. I made it clear to the Israelis I think it's a big mistake for them to think they're going to occupy Gaza and maintain Gaza. I don't think that works. तो गाजा जंग हमास का अंत, यानी कि गाजा जंग तब तक चलती रहेगी जब तक हमास का अंत नहीं हो जाता। तो बाइडेन ने क्या कहा? बड़ी बात है, हमास के अंत के बाद ही ये युद्ध खत्म होगा। जो बाइडेन ने पत्रकारों के सवाल पर यह जवाब दिया, हमास ने बहुत बड़ी गलती कर दी। 7 अक्टूबर का जिक्र किया जब हमास ने हमला किया था इसराइल के खिलाफ, हमास ने आम लोगों की जान ली बहुत ही सख्ती के साथ। ये बात जो बाइडेन ने कही, हमास ने मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये बड़ी बात है। मायने क्या है? ये जो बयान हमास को लेकर सामने आया, गाजा युद्ध को लेकर आया, गाजा में और बड़ी जंग संभव है, ये जो बाइडेन की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल के तौर पर माना जा रहा है। हमास के खात्मे के लिए बड़े हमले होंगे, जब तक हमास का संपूर्ण विनाश नहीं हो जाता तब तक युद्ध चलता रहेगा, हमास के समर्थकों पर भी एक्शन लिया जाएगा, यह भी कहा गया समीर। बिल्कुल, और यह बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि आखिर इस महामुलाकात से निकला क्या। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सोय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर और एयर कॉमोडोर एसपी सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं।
सबसे पहले संजय सॉय साहब, जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि जब तक हमास का अंत नहीं हो जाता ये युद्ध जारी रहेगा, गाजा पट्टी पर कब्जा जमाकर बैठना जो सोच रहा है इसराइल ये ठीक नहीं है। ये बातें तो पहले भी होती आई हैं। चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के बाद बदला क्या? क्या वाकई चीन कुछ बदलवाने आया था या इसकी कोई मंशा ही नहीं थी? समीर, दोनों बातें मैं क्विकली कवर करूंगा फटाफट। ये एपेक की मीटिंग में चाइना के साथ जो बातें हुई हैं उनमें ताइवान, नॉर्थ कोरिया और ह्यूमन राइट्स के अलावा ईरान के ऊपर जरूर बात हुई है कि किस प्रकार से जो मिडिल ईस्ट के मुद्दे को लेकर ईरान के ऊपर बात हुई है कि चीन किस प्रकार से ईरान के ऊपर प्रेशर डाले और इस युद्ध को कम करने की या इसको रोकने की या किस प्रकार से सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पर अब देखा जाएगा किस प्रकार से क्या बाइडेन उसकी आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि चीन का जितना बिजनेस है आज EU और अमेरिका के साथ तकरीबन $1200 बिलियन का है, यानी कि चीन की इकॉनमी खत्म हो जाएगी। तो बिहाइंड द स्टेज क्या कुछ इस तरह की बातें चल रही है वो देखा जाएगा बाद में। दूसरी बात, जो उनका जो बयान जो आया हमास का, जो ये बहुत सख्त बयान अब आए हैं, बहुत देखा जाएगा। हाँ। हमास का खात्मा ही जरूरी है और इसके लिए और बड़े हमले किए जाएंगे, जो दो तीन स्टेटमेंट आए हैं ये देखा जाए। तो अभी कहने की बात और है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन चल रही है आप देखिए, अभी इतने दिन हो गए, अभी तक नॉर्थ गाजा भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी बहुत सी पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पर बिल्टअप इलाके में लड़ाइयां चल रही हैं। और फिर साउथ गाजा तो और बड़ा चैलेंज होगा। नॉर्थ से सारे रिफ्यूजी साउथ चले गए, साउथ में इतनी भीड़ भड़का हो गया, वहां पर किस प्रकार से क्लियर करेंगे ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। ऑन ग्राउंड विचारधारा को कैसे खत्म करेंगे, ये बात मानने वाले कि इनके टॉप लीडर्स को खत्म कर दिया जाएगा, बाकी जो छोटे मोटे लड़ाके हैं उनको, जैसे बच्चे लड़ाके जैसे दिखाते हैं आप या यंग लड़ाके, इनके अंदर लड़ने का इतना मादा नहीं होता है, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध जब एक ऑर्गेनाइज फौज आती है तो ये सब तितर बितर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात कही गई है सर, संजय सोय सर, कि जब तक हमास का अंत नहीं होता तब तक युद्ध चलता रहेगा। हमारे साथ एयर कमोडोर SP सिंह सर भी है। सिंह सर, देखिए यहां पर दो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं जो बाइडेन। एक तरफ उन्होंने ये भी कहा कि आज जो हालात हैं, जो विध्वंस वहां पर मचा हुआ है, ऐसे माहौल में एक पॉज भी जरूरी है, इस युद्ध में एक पॉज, थोड़ा सा इस युद्ध को रुकना चाहिए, और उस पर भी चिंता जाहिर की गई जो लोग वहां पर मारे जा रहे। दूसरी तरफ हमास का जब तक खात्मा नहीं होता है जब तब तक युद्ध चलता रहेगा, ग्रीन सिग्नल भी देते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो अलग अलग बातें यहां पर हो रही है। देखिए, ये दो अलग अलग बातें नहीं है। मैं बड़ा अच्छी बात है कि जो बाइडेन ने एक फर्म स्टैंड लेके वही बात कही है जो हम आपके सारे एक्सपर्ट्स, रूस है जब से 7 अक्टूबर से अटैक हमास का हुआ है, सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स आपको यही बात कहते आ रहे हैं। देखिए, दो बिल्कुल क्लियर लाइंस हैं। हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक बारबेरिक एक्ट किया था 7 अक्टूबर को, जो इनोसेंट लोग हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, उनको मारा, उनके साथ अत्याचार किया, दुर्व्यवहार किया, उसकी सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो। और जो दूसरी बात है, जो एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट है, क्योंकि जब गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है, जैसे हमास के अटैक हो रहे हैं, वहाँ इतनी पॉपुलेशन है कि पैलेस्टीन के कुछ लोग भी मारे जा रहे हैं, तो एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल को देखते हुए उनका भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बाइडेन की दोनों स्टेटमेंट जो हैं अपनी जगह वैलिड हैं, लेकिन जो आज स्टेटमेंट उन्होंने दी है बड़ी ही सही है, एब्सोल्युटली राइट ऑन द डॉट, कि उन्होंने कहा कि जब तक हमास खत्म नहीं होगा ये युद्ध नहीं रुकेगा, और यही बात हम सभी हमेशा से कहते आए हैं। ठीक है, बिल्कुल। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो बाइडेन फिलहाल नजर आते हैं, तो संकेत साफ है जो कुछ जो बाइडेन की तरफ से कहा गया कि गाजा जंग में आगे और महाविध्वंस देखने को मिलेगा। क्या जानकारी सामने आ रही है यह आपको बिग वॉल के जरिए बताते हैं। बाइडेन का सख्त संदेश क्या है हमास के खिलाफ, तो यहां पर आप देखिए, इसराइल में नरसंहार हुआ जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया, इसराइल संभल कर ऑपरेशन चलाया। हालांकि यह हिदायत भी देते हुए नजर आ रही, क्योंकि आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे इस पर चिंता जाहिर की गई है। समीर जी, हां, गाजा में अस्पतालों के नीचे सुरंग की बात कही जा रही है। मौजूदा हालात में युद्ध विराम जरूरी है, ये भी साफ तौर पर इसराइल को बताते हुए नजर आ रहे हैं जो बाइडेन अपने सख्त संदेश में। लेकिन बड़ी बात देखिए क्या है, बंधकों की रिहाई पर भी
उन्होंने बात की है, और ये मसला एक बहुत बड़ा मसला है। अमेरिका ने अपना कंसर्न साफ तौर पर बता दिया है और कहा है कि बंधकों की जल्द रिहाई जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं जो बाइडेन के बयान को अगर आप गौर से देखेंगे तो। संजय सॉय साहब, लेकिन सल्यूशन का जहां तक सवाल है तो वो क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है? अमेरिका और चीन आज की तारीख में जानी दुश्मन नजर आते हैं, दोनों के अपने अपने कंसर्न जरूर हैं। उन कंसर्न्स को सामने रखने की कोशिश करते हुए क्या, खास तौर पर अगर इसराइल हमास जंग की हम बात करें, कोई सल्यूशन आगे कैसे निकाला जा सकता है, इस पर भी बात हुई है क्या? बयानों से आप ये अंदाजा लगा पा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो अमेरिका चाइना की काफ़ी लंबी बातचीत चली थी, बाइडेन और शी जिनपिंग की तकरीबन 4 घंटे बातचीत चली साइड लाइन पर, जो बहुत लंबा समय है, और आपस में बहुत से मुद्दों पर बातचीत की गई थी। चाहे मैं उनको फटाफट करूंगा, लेकिन बाद में इसके ऊपर मेन कंसर्न करेंगे। चाइना ताइवान हो गया, जिसके ऊपर दोनों में रजामंदी नहीं हुई। चाइना और नॉर्थ कोरिया वाली बात हुई, कोई रजामंदी नहीं हुई। ह्यूमन राइट्स के ऊपर उन्होंने ध्यान दिलाया, तिब्बत और शिनजियांग के ऊपर जो उन्होंने कटाक्ष कसा, और एक जो ईरान के ऊपर जो बात हुई थी, वो बात जहां पर इन्होंने दोनों ने कोशिश की है कि किस प्रकार से चाइना का ईरान के साथ 400 बिलियन डॉलर की डील हुई है 2020 में, और बहुत बड़ा पार्टनर है। तो चाइना एक ईरान के ऊपर प्रेशर डाल सकता है कि किस प्रकार से युद्ध को कम किया जाए, किस प्रकार से इसके और फैलने से रोका जाए, यही बात बाइडेन ने कही है। अब चाइना कितना मानता है, क्योंकि चाइना का अपना इंटरेस्ट है। इस समय में देखा जाए दोनों देशों में ट्रस्ट का बहुत कमी नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस प्रकार से बाइडेन ने बाद में कहा भी था कि ये शी जिनपिंग एक डिक्टेटर है, अभी भी इस मीटिंग के बाद भी बोल दिया उन्होंने। हाँ। तो इस तरह की जो बातें वहां ट्रस्ट फैक्टर, तो चाइना नहीं चाहेगा कि इनके गेम में खेले, और वो शायद अपना गेम मिडिल ईस्ट में जारी रख सकता है, लेकिन इकोनॉमिक प्रेशर में डाल के बिहाइंड द सीन्स है चाइना के ऊपर प्रेशर। बिल्कुल सर, और ये साफ नजर भी आ रहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज की शुरुआत तो की जा रही है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस ही नजर नहीं आ रहा एक दूसरे के ऊपर। तो देखिए, ताइवान पर जबरदस्त टकराव है। जिनपिंग ने क्या कहा, ताइवान को हथियार देना बंद करें बाइडेन। अमेरिका अपने रुख में बदलाव लाए, ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन हो, ये वो कहते हुए नजर आए। ताइवान को चीन में शामिल करने का समर्थन करे अमेरिका। अब मौजूदा जो हालात हैं उसमें ये बिल्कुल मुमकिन तो नजर आता नहीं। ताइवान के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन हो, ये बातचीत में जिनपिंग की तरफ से जिक्र हुआ। जिनपिंग के बयान के मायने क्या हैं? ताइवान पर दोनों देशों में टकराव जारी है, चीन ताइवान मुद्दे पर दखल नहीं चाहता, ताइवान में अमेरिका के दखल से चीन नाराज है, और अपनी नाराजगी का इजहार जिनपिंग ने इस मीटिंग में किया है। ताइवान पर किसी समझौते को वो तैयार नहीं है, यह भी क्लियर कर दिया गया है। तो ये बड़ी बातें ताइवान सेंट्रिक हुई हैं। इस बीच अमेरिका को देखिए सख्त संदेश क्या दिया गया जिनपिंग की तरफ से। अमेरिका चीन को दबाने की कोशिश हो, अमेरिका से आगे निकलने की होड़ नहीं है, अमेरिका चीन को निशाना बना रहा है, अमेरिका की वजह से चीन को नुकसान हो रहा है, चीनी विकास में बाहरी ताकत रुकावट ना बने, ये सीधे सीधे अमेरिका को सख्त संदेश है। इसके मायने क्या है? मायने यही है कि चीन के हितों से कोई समझौता नहीं चाहते शी जिनपिंग, और ये अपने आप में कमोडोर सिंह सबसे बड़ी बात है। आपके हिसाब से क्या सख्त संदेश जिनपिंग इस मीटिंग में अमेरिका को देते नजर आए, और उसका असर आने वाले वक्त पे कितना पड़ेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए बिल्कुल, शी जिनपिंग अभी जो है इस मीटिंग में, आप एक ये मान के चलिए एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी दो देशों में डायलॉग होता है जी, तो ये किसकी महत्ता ज़्यादा है, किसके पॉइंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उसकी वैल्यू मानी जाती है। अब देखिए अमेरिका जो है इस समय दो जगह युद्ध में बिजी हो गया, एंगेज हो गया, तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का समय है कि वो रशिया के अगेंस्ट नाटो को लेकर साथ चला हुआ है, तो वहाँ पर एंगेज था, अब यहाँ पर इसराइल के साथ उसको खड़ा होना पड़ रहा है हमास के अगेंस्ट, तो इन दोनों में ईरान उसके अगेंस्ट आ गया है, जिसको ईरान को मौका मिल गया। और इस पूरे जियोपॉलिटिक्स में ईरान, चाइना और रशिया का एक बड़ा अच्छा नेक्सस बन गया इनका, जो पूरा अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा है। तो इस समय चाइना जो है एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है बातचीत करने में। मैं एक बड़ी छोटी बात है जो इम्पोर्टेंट है आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना जो है ताइवान को बार बार क्यों चाहता है। देखिए चाइना और ऑस्ट्रेलिया पूरे देश में सिर्फ दो देश हैं पूरे विश्व में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं,
जहाँ पे रिफाइनिंग होती है मिलता है, और ये रेयर अर्थ सीमेंट आपके लैपटॉप मोबाइल से लेकर क्रूज मिसाइल तक में यूज होते हैं, जिनकी जिनकी चिप्स बनाई जाती हैं, और चिप टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ताइवान के पास है। तो यदि ये अगर ताइवान भी चाइना के नीचे आ जाता है तो पूरी वर्ल्ड की चिप टेक्नोलॉजी और रेयर अर्थ एलिमेंट दोनों को मिलाकर चाइना सबसे स्ट्रांग हो जाएगा, और अमेरिका इस बात को जानता है, इसलिए वो ये चाहता है कि काउंटर बैलेंस चाइना के ऊपर रहे, चिप टेक्नोलॉजी उनको ना मिले, ताइवान की रेयर अर्थ एलिमेंट को कुछ नहीं वो कर सकते हैं। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जो अमेरिका कर रहा है, और ये पूरे विश्व के लिए अच्छा है, ये बैलेंस एक्ट बना रहे, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। और यही बात है जिसके लिए शी जिनपिंग इस बात को जानते हुए चाहते हैं कि ताइवान से अमेरिका अपनी फोर्सेस हटा ले। ठीक है, यानी सिंह सर, ये पूरी तरह से जो मांग है चीन की कि अमेरिका दूर रहे और ताइवान में दखलंदाजी ना करे, ये पूरी तरह से अव्यवहारिक नजर आती है जो चीन डिमांड कर रहा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल का लेबनान में भीषण हमला हुआ है, हिजबुल्ला के ठिकानों पर अटैक किया गया। तो ताइवान और ईरान, अमेरिका चीन में खमसान क्या और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो डिमांड रखी गई है, ऐसे में क्या दोनों देश मानते हुए नजर भी आएंगे? अभी तो फिलहाल दूर दूर तक नहीं लगता, लेकिन बड़ी बात क्या है, ताइवान पर बाइडेन ने क्या कहा, चीन की नीति को लेकर जो प्रतिबद्धता है, चीन की नीति को लेकर प्रतिबद्ध है, वन चाइना पॉलिसी की बात की गई है, ताइवान की चुनावी प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए, ये जो बाइडेन ने कहा, एक चीन नीति नहीं बदलेंगे ये भी कहा गया, साथ मिलकर मुद्दे हम सुलझाएंगे, इस बात को भी रेखांकित किया गया, और एक साथ सभी विवाद सुलझाना संभव नहीं है समीर। बिल्कुल, और ईरान बहाना, चीन पर निशाना, तुर्की जंग में कूदा तो अमेरिका भी युद्ध लड़ेगा, यह साफ तौर पर बता दिया गया है। तुर्की जो कि बहुत आक्रामक नजर आ रहा है, हमास का साथ देता नजर आ रहा है, तुर्की जंग में कूदा तो अमेरिका भी युद्ध लड़ेगा, यह बता दिया गया है साफ तौर पर। यानी बड़े देश अगर फिलिस्तीन के साथ और खास करके हमास के साथ इस जंग में कूदते हैं तो फिर अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी इसराइल का साथ देगा। ये कहीं ना कहीं बड़ी चेतावनी ईरान जैसे ताकतवर मुल्क को भी दी गई। और फिर तो ऐसे में बहुत ही बड़ा, ये अगर देखेंगे तो संकट खड़ा होगा, क्योंकि हम देखेंगे कैसे नेटो वर्सेस नेटो हो जाएगा। अब गाजा से यूक्रेन जिनपिंग को सख्त संदेश कैसे दिया गया है, यूक्रेन युद्ध, गाजा जंग, ताइवान, आप जरा यहां पर देखिए, यूक्रेन युद्ध, गाजा जंग, इन सब को लेकर क्या संदेश दिया गया है। यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा, जिनपिंग को यह सख्त संदेश दिया गया। गाजा जंग पर क्या कहा गया, इजराइल का साथ हम देते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, ड्रैगन को बतला दिया गया। जी, और दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी नहीं चलेगी, यह भी क्लियर किया गया है। तिब्बत और हांगकांग पर भी अपना रुख साफ करते हुए नजर आए हैं, मानवाधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह साफ तौर पर कह दिया गया। वहीं ताइवान का जहां तक जिक्र है, बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह बताया गया है। हालांकि कारोबार का जहां तक मसला है, उस पर एक साथ व्यापार कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी बात हुई है करुणा। बिल्कुल, और संजय सोई सर हमारे साथ है। संजय सोई सर, ये महामुलाकात हुई, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ ठोस निकल कर सामने आएगा या फिर रिश्तों में कुछ सुधार होगा, क्योंकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट के जो भी फ्लैश पॉइंट बने हुए हैं उस पर तो कोई रजामंदी नहीं हुई है? बिल्कुल करुणा, आप मैं ये कहूंगा, एक कम्युनिकेशन हमेशा अच्छा रहता है, ये मेरा मानना है। बातचीत हो, उसके बाद कुछ सुधार हो नहीं हो, या कुछ परसेंटेज तक सुधार हो, यहाँ पर देखा जाए चार मुद्दों में तो कोई फैसला नहीं हुआ, जैसा भी आपने बताया। ताइवान के ऊपर दोनों में तलखी बराबर बनी हुई है, साउथ चाइना सी पर दोनों में तलखी बराबर बनी हुई है, नॉर्थ कोरिया पर तलखी सेम है। उसके अलावा जो चीन का ह्यूमन राइट्स इशू पर अमेरिका ने उसको काफ़ी एक चेताया है। अब जो बात हुई, एक दो पॉजिटिव पॉइंट जो मैं बताऊंगा वो है, एक मिलिट्री कम्युनिकेशन के ऊपर बात हुई है कि पहले नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद मिलिट्री कम्युनिकेशन बिल्कुल ठप हो गए थे, उस क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दोनों की सेनाएं जितना आसपास है साउथ चाइना सी में, और पीछे एयरक्राफ्ट भी पास पास आ गए थे दोनों के, तो इस तरह के माहौल में कभी भी एक टकराव, छोटा सा टकराव, बहुत बड़ा युद्ध में बदली हो सकता है। ये देखते हुए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और ये शायद अभी जो उनकी बेस है अमेरिका की हवाई में, उसका चाइना के थिएटर कमांडर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात है कि इस तरह की बातें अगर हो तो आर्मी टू आर्मी लेवल या कमांडर लेवल पर ही इनको खत्म कर दिया जाए और उनका एक कोई बड़े युद्ध में बदली ना हो। और दूसरी बात जो है वो है ट्रेड के ऊपर,
ट्रेड के ऊपर भी दोनों देशों का कहीं ना कहीं बातचीत चली है, क्योंकि आज अमेरिका और चाइना दोनों का बहुत ज़्यादा ट्रेड है आपस में, जो जिस प्रकार से ट्रेड है तकरीबन 758 बिलियन डॉलर का दोनों का ट्रेड है, जिसमें ज़्यादा तो चाइना एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इन हितों को ध्यान में रखते हुए ये बातचीत भी चली है किस प्रकार इसको आगे बढ़ाया जाए। तो बातचीतें हुई हैं, ज़्यादातर मतभेद हैं, लेकिन लास्ट में जो सबसे गलत बात मुझे लगी वो बाइडेन ने शी को डिक्टेटर करार कर दिया और कहा कि बाद में कवर करने का। वो फर्क बता रहे थे कि चीन में कैसे सरकार चलाई जाती है और अमेरिका में कैसे चलाई जाती है, लेकिन इस मुलाकात के बाद का ये बयान अपने आप में इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है, चौंकाता तो जरूर है। सोहेल साहब आप सही कह रहे हैं। तो इसराइल का प्राण क्या है, कुछ ही घंटों में हमास भस्म हो जाएगा। बेनी गेंट्स का जो बयान है उसके मायने समझने की कोशिश हम करते हैं। तो आप जरा जानिए, अब हमास नेताओं की बारी है, हमास नेताओं को खोजकर हम मारेंगे, दुनिया में कहीं पर भी अगर ये छिपे होंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, बेनी गेंट्स ने कहा। आप जानिए कि आखिर कौन है बेनी गेंट्स, वॉर कैबिनेट में है ये और उनकी तरफ से ये बहुत बड़ा बयान दिया गया है। संजय सोई सर, सवाल मेरा आपसे है, ये बताइए बेनी गेंट्स की तरफ से ये जो बयान दिया गया क्या इसके मायने, क्योंकि कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही हमास का खात्मा होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि युद्ध एक साल तक भी चल सकता है, हमास भी एक बड़ी रणनीति के तहत तैयार है। नहीं, ऐसा है कि युद्ध जल्दी खत्म करने बहुत जरूरी है कि इनके लीडर्स को खत्म किया जाए। मिडिल लेवल के बहुत से लीडर्स को मारा जा चुका है, तकरीबन 55-60 के लीडर्स जो हैं गाजा के युद्ध में मारे गए, कंपनी कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, इस तरह के लीडर। लेकिन अब देखा जाए, एक सिनवार बचा हुआ है और एक हानिया बचा हुआ है। सिनवार जो तो गाजा में ही है, उसको ढूंढने की कोशिश हो रही है, उसको किस प्रकार से ख़त्म किया जाए, और दूसरी बात है हानिया, ये दुनिया में कहीं भी होंगे इनको ख़त्म किया जाएगा। अब इनको डर बैठ जाएगा और ज़्यादा, सिनवार तो खैर गाजा में, लेकिन हानिया को डर बैठा हुआ है, पहले से डर बैठा हुआ कि मोसाद कभी कहीं किसी प्रकार से उनको ख़त्म ना कर दे। तो ये अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो बाकी लड़ाके तो यंग लड़ाके हैं, 14 साल 16 साल 18 साल 20 साल, उनको इतना अनुभव नहीं है कि युद्ध को किस प्रकार से आगे ले जाए। फिर तकरीबन 10-20 साल के लिए एक शांति हो जाएगी। मैं ये मानता हूँ कि धारणा या विचारधारा को ख़त्म करने में शायद एक जनरेशन लग जाए, उसके लिए इसराइल को भी काम करना पड़ेगा, एक उनको एक अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा, एक तरह से ह्यूमनिटेरियन बातचीत करनी पड़ेगी। इस तरह से खाली सख्ती से काम नहीं होता, क्योंकि विचारधारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेती है। करुणा जी बिल्कुल, और इस बीच देखिए एक अहम खबर है, इसराइल ने दिया है हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब, दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बोला गया है हमला, हिजबुल्लाह का हथियार डिपो, चौकियां, मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन, सब कुछ तबाह कर दिया गया है। तो ये बड़ा हमला इजरायली फोर्स ने किया है हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर। और देखिए एक और बड़ी खबर, नेतन्याहू की हमास को सख्त चेतावनी, हमास के खात्मे के लिए कहीं पर भी जाएंगे। जिकेम में सैनिकों से मुलाकात करते दौरान नेतन्याहू ने यह बयान दिया, हम हार नहीं मानेंगे, बंधकों को वापस छुड़ा कर लाएंगे। ये देखिए तस्वीरें भी आपके सामने, जब सेना के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात की। तो हम हार नहीं मानेंगे ये कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये दोहराते नजर आ रहे हैं, सैनिकों के बीच पहुंचकर प्रण लेते नजर आ रहे हैं। हमास का अंत अब निकट है ये बताने की है कोशिश। दावा क्या किया गया है, हमास के खात्मे के लिए हम कहीं तक भी जाएंगे, गाजा में ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम ना पहुंच सकें, हमें गाजा में ना घुसने की धमकी मिली, हम गाजा में घुसे, हमें अल शिफा में ना घुसने के लिए कहा गया, हम अल शिफा अस्पताल के अंदर घुसे, हम हमास तक पहुंचेंगे और उसको जड़ से खत्म कर देंगे। ये एक बार फिर नेतन्याहू ने अपना दावा दोहराया है। और इसके साथ ही जवानों के बीच जब पहुंचे नेतन्याहू तो क्या बात कही गई है, लंबी होती जंग के बीच एक्शन में है नेतन्याहू, ये उसके मायने साफ तौर पर समझ में आ रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद कई बार ऐसा हुआ जब वॉर फ्रंट पर गए हैं, वहां पर सैनिकों से मुलाकात की, अधिकारियों से मुलाकात की, हौसला अफजाई की है, लगातार जवानों का हौसला बढ़ाते रहे नेतन्याहू, अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर जवानों पर ना पड़े ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं इस दौरे से इसराइल के प्रधानमंत्री। बिल्कुल, बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अपने जवानों के बीच जाकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल का जो नेतृत्व है वो सैनिकों के साथ है, उनके हौसलों को सलाम करता नजर आ रहा है और
हौसले बुलंद करने की कोशिश बार बार बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से की गई है। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। संजय सोय साहब, किस तरह से आप नेतन्याहू के इस रुख को देखते हैं, क्योंकि आज की तारीख में इसराइल जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना भी कर रहा है। तकरीबन 12,000 लोग गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं, जो ताजा आंकड़ा सामने आया, और उसमें से 2/3 महिलाएं और बच्चे हैं। तो आम बेकसूर नागरिकों के मारे जाने का जो दाग है वो भी इसराइल पर लग रहा है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल ये बात बहुत सच है, क्योंकि इस प्रकार से जो नुकसान हो रहा है, कोलेटरल डैमेज जो कहते हैं कि चने के साथ घुन पिसना, जैसे एसपी सिंह सर बता रहे थे, उस चीज को देखते हुए ये बहुत ज्यादा प्रेशर है। दो बातें हैं, एक तो इसी वजह से वो सैनिकों के पास गए कि वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में ना आए, बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर को मैं झेलूंगा, तुम्हारा काम है लड़ाई लड़ना। दूसरी बात यह है कि जो प्रेशर की वजह से इसराइल को अब ये कोशिश रहेगी कि युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, अलग अलग मोर्चों पे साथ साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। यही कारण है कि गाजा पे देखिए, चारों तरफ से नॉर्थ गाजा में हर तरफ से छोटी छोटी पॉकेट्स पर अलग अलग लड़ाइयाँ चल रही हैं, और ताकि जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। ये नहीं तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, जितनी सिविल कैजुअल्टी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय, अब देखिए बाइडन ने भी कहा है कि आप इस प्रकार से सिविल कैजुअल्टीज के लिए उन्होंने भी चिंता जाहिर की है, क्योंकि उनके मित्र हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, वो भी अभी बातचीत कर रहे हैं कि सिविलियन कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जब इस प्रकार से देश का बयान आने शुरू हो जाते हैं और आम जनता की जगह जगह रैली हो जाती है, तो हर देश के शासक को ये इस तरह का स्टैंड बदली करने पर शायद वो मजबूर हो जाए। बिल्कुल, और यही वजह है कि जो बाइडन ने यह भी कहा इसराइल को कि सावधानी बरती जाए ऑपरेशन के दौरान। सर, एक और बड़ी खबर आ रही, तुबास में भीषण संघर्ष जारी है, इजरायली सेना हमास समर्थकों में फायरिंग हुई है, आमने सामने की अल फर्रा कैंप में गोलीबारी हुई है, तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। तो तुबास में आमने सामने की जंग, गोलीबारी की तस्वीरें भी सामने आई। भयावह जंग अभी भी गाजा में मैदान जंग में जारी है, हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। इसराइल रुकने वाला नहीं है ये बता दिया गया है। ऐसे में शी जिनपिंग और जो बाइडेन की इस महामुलाकात का असर क्या पड़ेगा जंग पर, ये देखने वाली बात होगी।